तो कैसे हैं दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं स्नान करने। आगे है कुसुम की गोद में, पीछे जीजी है और सबसे पीछे मैं हूँ। तो अभी हम स्नान करने जा रहे हैं। तो जैसे कि दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रेस्क्यू टीम आ चुकी थी और पूरा मतलब एकदम ऐसे थी कि ना पुलिस हर जगह थी और लोग को बता रही थी कि आगे मत जाओ, ढूंढ रहे थे, सर्च ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि एक व्यक्ति बह गया था। तो सीन ये था कि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। तो आज सुबह 4 बजे उसकी डेड बॉडी मिली और मतलब आप सोच लो कितना मतलब ऐसे रहा होगा पूरी फैमिली में। उसकी 2 महीने की बच्ची थी, उसके जो पिताजी थे वो शायद IAS हैं, जो लड़का जो जिसकी मृत्यु हुई वो भी रेलवे में था, कुछ उसका जो भाई था वो भी एक सरकारी नौकरी में। तो मतलब आप सोच लो कि पूरे घर पे क्या बीतरी होगी। और मतलब इतनी सर्च ऑपरेशन की टीम आई होगी लेकिन 2 दिन तक बॉडी नहीं मिल पाई। तो यहाँ से ठोकर नंबर 5 है, आगे जाके वहाँ पे 5 नंबर का जो घाट है वहाँ पे उसकी बॉडी मिली थी। मतलब आज सुबह अपने ऊपर आ गई या जो भी रहा, बट आप सोच लो कि अगर आप आ रहे हो हरिद्वार या कहीं पे भी जा रहे हो, है ना, और नदी है, तो आप इस तरीके की हरकत ना करो कि आप सोचो कि है ना आप मैनेज कर लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको स्विमिंग आती नहीं है, मतलब अच्छी वाली स्विमिंग नहीं आती है, तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गंगा जी स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहता हुआ जल है, बहुत तेज़ी से बहाव आता है, तो स्पेशली देखिए अगर आपको वहाँ पे बहाव है तो आप गलती से भी वो मत करिए, अटके लिया। चलिए, हमें सामने गंगा जी दिख रही है लेकिन हम जाएंगे हमारे त्रिरंडी देव आश्रम के घाट पे, वहाँ पे तो स्नान करने का आनंद ही कुछ और है। चलिए मिलते हैं वहीं पे सीधे। पर आवाज तो मेरी जा रही है उस बेवकूफ को, बताओ रघुनाथ, और मेरी आवाज जा रही है उसको, वो वहां पे ब्लॉगिंग कर रही है। अरे भैया इसकी ब्लॉगिंग चल रही है पर आवाज मेरी आ रही है। ओहो ब्लॉगर, ब्लॉगर्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स जी जी, बड़े बड़े, हाँ जी। आज सुबह 4 बजे मिली लाश, एक की, एक डूबा जिसको तो तभी निकाल लिया था, हॉस्पिटल लेके गए फिर, और 2 सप्तऋषि पे डूबे, पर महाराज पर इसका मतलब कल डूबा था, परसों, परसों डूबा था, हाँ। अच्छा, इसीलिए पंडित जी कल चर्चा कर रहे थे, तो आज मिला है, आज सुबह मिला। और वहाँ क्या है, गड्ढा है बीच में ना, पत्थर निकाल जी, के जी, जी। बेच दिया है आश्रम वाले ने। अच्छा। तो बड़ा बड़ा पत्थर है ना जी, तो उसकी गिट्टी बनती है। अच्छा। तो पानी कम हो गई थी ना, तो उसने पत्थर को निकाल कर बेच दिया, तो गड्ढे हो गए, गड्ढे हो चुका है। अब बीच में क्या किया है, लगा दिया था कचरा की गंदगी यहाँ नहीं आने के लिए, बीच में इधर को गड्ढा, बीच में ऊंचा था, फिर उधर को गड्ढाई गड्ढाई है, उसी गड्ढा में जो जाता है ना नहाते नहाते, फिर वो लाश मिलता ही नहीं। और 2 सप्तऋषि में डूबे, हाँ 2 सप्तऋषि में डूबा, इस घाट पर 2 डूबा था, तो एक तो निकल गया, एक निकला नहीं, सब ऊपर से तार पकड़ के ऊपर ही ऊपर गया। अच्छा। तो उधर जाएगा तो फिर आने की जी, रास्ता जी, ही जी, नहीं जी, रास्ता नहीं है। ये वाला, हाँ ये भवन ना यहाँ पे जो बनता है, ये भवन है ना पत्थर, जी जी जी, इसके नीचे ही भवन है, हाँ हाँ, यहाँ से जो जाएगा उधर, हाँ। कल भी एक डूबने वाला था बच गया। अच्छा। उसके दोस्त के साथ तैर रहा था, हाँ। मगर उसका दोस्त चालाक था, हाँ। वो डूब रहा था और वो नीचे पीछे से ठेल रहा था, हो गया आगे अचल, हो गया आगे अचल, चल चल कर, हाँ। करके किसी तरह उसके सांस एकदम उल्टा चलने लगा, बदमाशी किया था, सब फिर से घाट से तैरते तैरते इधर आ गया था जी जी, उधर गहरा है ना, गहरा है, सब गहरा है, गहरा ये वाला, हाँ। इधर से नहाओ तो यहाँ पे पत्थर है, जी जी जी, उधर जाने वाला नहीं है जी, हाँ। हमें तो जहाँ पे पार लगता है, मेरे नजरों में आता है, तो मैं रोकते रहती हूँ, सही जी, हाँ बिल्कुल, मत जाना मत जाना भाई, और आ गए हो तो कुछ दुख सुख भोग लो, सही, हाँ क्यों जाओगे जी, बच्चे मानते नहीं, हाँ, मान... तो एक किनार में भी वही गंगा है, हाँ। अब बीच में जाओगे तो वही गंगा है जी, मरने क्यों जाते हो, सही, गंगा जी से प्रेम है तो कहीं भी गंगा जी जी जी। तो रघुनाथ,
रघुनाथ तो एकदम डंडा लेके लकड़ी लेके एकदम ऐसे रेडी हो चुका है, छोटी 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 मछली आ रही है, हट जाओ हट जाओ। रघुनाथ को कितने मजा आ रहे हैं। ओहो रघुनाथ ऐसे आगे मत बढ़। हाँ ये दोनों हटा दे रघुनाथ। हाँ हटाओ इसे, हटाओ हटाओ रघुनाथ, इधर 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 करो, डूबा थोड़ी ये रहा। लो इसको हटा दो रघुनाथ। ओ चलो ये अरे रघुनाथ। ओहो हो हो हरि बोल। ठंडा ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है। अब सारी गर्मी चली गई ना, अब धूप में नहीं छुप रही। अब तो नहीं, अब तो धूप बढ़िया लग रही है। रघुनाथ इतना मजा। खड़ा हो गया है नीचे, खड़ा तो ठंडा लग रहा है इसको। अरे नहीं खड़ा नहीं हो रहा है इसको, लग रहा है नीचे तो गिर रहा है। मेरे टांगे बहुत ठंडी हवा चल रही है क्या पापा? चल 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 कांप रहा है। चलो 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 कांप रहा है जल्दी चल। यो रघुनाथ हरी बोल कर दो, हरी बोल। गर्मी लग रही है। तो हम लोगों का स्नान हो चुका है, रघुनाथ और मैं इधर आ चुके हैं। मैंने चेंज कर लिए हैं, रघुनाथ को चेंज करवा दिया गया है, और रघुनाथ की मम्मी और उसकी बुआ वहाँ पर हैं, वो रूम पे जाके चेंज करेंगे तो गीले जाएंगे। तो रघुनाथ क्या कर रहे हैं, रघुनाथ पता है अंदर गंगा जी में स्नान करते वक्त जल इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, और बाहर आते ही एकदम अच्छी लगती है, फिर धूप, फिर ऐसा लगता है आ हा 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 कहाँ आ गए है ना। बाकी अंदर अभी बहुत एकदम से ठंड है, और अभी पता है जल स्तर भी बढ़ गया, बहाव भी हो गया कल से, तो शायद ऊपर बारिश आई होगी बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं पे, बद्रीनाथ में तो जल स्तर बढ़ जाता है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। रघुनाथ मम्मी क्या कर रही है और तू क्या कर रहा है, हैं क्या कर रहा है रघुनाथ, ये सफाई जल्दी करो, अच्छे से करो। हाँ आ जा, चले मम्मी आ गई, ले 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 मम्मी और आ गए। चलो 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 जल्दी चलो, मम्मी आ गई। अरे कृष्णा भी उठेगा नहीं। तो अब हम जा रहे हैं गंगा जी के घाट पे स्नान करने, लेकिन रघुनाथ को छोड़ के जा रहे हैं, पर ये यहाँ पे ये सोच रहा है कि ये भी जाने वाला है, तो पूरा ऐसे सैंडल वैंडल लेके रेडी है, इसके मन में ये है कि भाई ये भी जाएगा। है रघुनाथ जा रहे हैं स्नान करने, पर इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, अब हम जाके आते हैं। तो रघुनाथ रहेगा गया बाबा के साथ। देखो देखो वहाँ पे रघुनाथ। तो अभी हम स्नान करने जा रहे थे, पर सोचा पहले थोड़ा सा सोडा शिकंजी पी लिया जाए, तो सोडा शिकंजी के लिए अभी मुड़ गए हैं। ओहो यहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी हम पहले सोडा शिकंजी पियेंगे और देखते हैं कुछ खा भी लें अगर बाहर आई हैं तो, बाकी शिकंजी तो फिक्स है ना, और उसके बाद वहां से निकल जाएंगे हम। अच्छी बात, हम तौलिए लेकर ये भी मार्केट में घूमने निकलेंगे। दीदी को थोड़ी सी शर्म आई इतना यार। तो एक्चुअली में कुसुम ने बोल दिया कि इसका वाला तौलिया वैसा लग रहा है मजदूरों वाला। तो सबसे बढ़िया तौलिया मेरा है, हर माल 10 रुपए। तो अभी हम चलते हैं। हाँ अच्छा वो गमछे हैं। तो अभी हम क्या चीज, क्या चीज, और तो अभी हम आगे जा रहे हैं और सोडा पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं स्नान कब तक करते हैं। तो अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, सोचा थोड़ा बहुत खा भी ले फिर थोड़ा शिकंजी उसके बाद पियेंगे। तो ये दोनों बैठे हैं
यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम आ चुके हैं। मतलब पता है क्या, हरिद्वार में एक चीज अच्छी है, क्या यहाँ पे बन के निकलने की जरूरत नहीं है। निकल रहे हो गमछा मतलब सब यहाँ आपको रास्ते में ऐसे दिख जाएगा भैया के, बस डुबकी लगा ली जा रही है। यहाँ तो ये चीज अच्छी है, सही बात है। तो ठीक है, अब पाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वैसे अभी डुबकी भी लगानी है। तो अभी तक का अपडेट ऐसा है कि हमने बहुत ज्यादा पा लिया है, पेट एकदम फुल है, 16 शिकंजी भी पी ली। अब 2 टिकिया पैक करा रहे हैं घर पे ले जाने के लिए। बाकी स्नान का जो था वो शायद कैंसिल सा ही हो चुका है। तो हरिद्वार में आके स्नान करने का ही आनंद सबसे ज्यादा है, बट इस बार आज हमने थोड़ा खा पी भी लिया एक्स्ट्रा बाहर निकल के। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे हमारे रूम पे, और उसके बाद थोड़ा सा वो है क्या कहते हैं, शायद छत पे जाके कुछ करें, तो वो देखते रहिए। अरे वाह क्या काम कर ले, वाओ, ओहो क्या नई रेसिपी तैयार की जा रही है, ओहो ये रघुनाथ ये ये बनाओ बनाओ ओ रघुनाथ, अरे ये क्या कर ले हो अरे कृष्णा इसकी अलग ही मस्ती चलती रहती है। पानी दे दो इसके हाथ में, और फिर उसके हाथ से देखो आप, ये अपना अलग ही कुछ ना कुछ तो कारस्तानियां करता रहेगा। अरे रघुनाथ किसको गिराने का इरादा है, पानी गिरा गिरा के देखो 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 देखो, अभी इसकी मम्मी आते ही गुस्सा करेगी। रघुनाथ तेरी मम्मी को गुस्सा आएगा पक्का, और तेरे पे नहीं मेरे पे आएगा भाई क्या ध्यान रख रहे हो इसका। ए रघुनाथ क्यों डांट पड़वाना चाह रहे हैं देखना देखना अभी इससे लेता हूँ। नहीं रघुनाथ दे दो भाई दे दो भैया ये सब दे दो दे दो दे दो, बहुत तेज है, पापा को दे दो, अरे पापा को दे दो रघुनाथ क्यों गिरा रहा है पानी, नहीं अरे इसमें गिरा दो, अभी मम्मी आके तो तेरे को बताएंगी ना, पानी दे दे, पी लो पी लो पी लो पी लो, पानी पी लो, पिएगा भी नहीं। अरे रघुनाथ गंगा जी में नहाया तो था आज, ओ ओ हरी बोल, अच्छा ये ले 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 रघुनाथ मम्मी को आने दे, अभी देख तेरे को बताता हूँ। रघुनाथ ले डायनासोर ले ले, डायनासोर नहीं लेगा कुछ नहीं लेगा अभी, ले इसको गिरा बिगा, इसको नहला दे डायनासोर को, नहला दो इसको नहला दो रघुनाथ ये, अरे रघुनाथ ने डायनासोर को नहला दिया, नहला दो अच्छे से। अरे कृष्णा उसमें जो पानी था वो भी गिरा दिया, बताओ बताओ रघुनाथ बताओ, पिसलेगा देखना यही पिसल जाएगा कितना पानी गिराया है। रात के 11 बज चुके हैं और हम बाहर निकले हैं वापस से, और हमने सोचा इसके इतनी सारी बॉलें हो चुकी है, और देखो देखो इसका इसका ध्यान भटका दिया, और अभी इसको लग रहा है बॉल ले लो, और पता है 2 मिनट में घर जाते ही बोर हो जाएगा, बॉल पड़ी है खेलता नहीं इतना। चलो और फिर अब ये है कि हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने, और सोचा तो ये था कि कुछ करेंगे कि बता ही देता हूँ, जब कर ही नहीं रहे। टेंट लाए थे, सोचा था टेंट लगाएंगे यहाँ पे बढ़िया से और बहुत मज़े करेंगे, बट चलो टेंट नहीं लगाया क्योंकि वैसे ही इतना आनंद आ गया तो अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाएंगे, कोन लेंगे बट स्कॉच फ्लेवर। तो रघुनाथ ने कहा पापा आज आइसक्रीम है, रघुनाथ रघुनाथ इतनी चेतावनी करने के बाद चलो चलते हैं अब।